इशाल का जो यूनिफॉर्म है वो मैं आज लेके आ चुकी हूँ और बिल्कुल अभी अभी लेकर आई हूँ मैं इसका यूनिफॉर्म। अच्छा, कितनी चीज़ें होती हैं, बहुत मतलब स्कूल की जो लाइफ है ऐसा लग रहा है जैसे अपना ही बचपन जो है ना वो शुरू हो चुका है। और ये जो स्टिकर हैं ये मैंने ना प्रिंट करवाए हैं, उन जैसे बुक के ऊपर जैसे हम लोग लिखते हैं ना, अब लिखना नहीं पड़ेगा हमें, ये पीछे से स्टिकर है, ये जो है ना मैंने कंप्यूटर से प्रिंट करवा कर ये जो है ना मैं इसकी बुक्स पर लगा दूँगी। ये रहा इशाल का बैग। अच्छा, ये प्लास्टिक कोटिंग जो है ना हमने इसके ऊपर अलग से जो है वो लगवाई है, चिप बनवाई है इसके साथ की, इस तरह सही है ना बस। अच्छा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये पूरी प्रिंट होती है शीट, एक शीट होती है ये जो है ना आपको 150 की पूरी शीट पड़ती है जिसमें जो है 10 स्टिकर जो है वो मेरे निकल गए। तो अब जो मेरे पास जो ये एक्स्ट्रा बचे हैं ना बुक्स वगैरह पे तो लग गए, कॉपीज पे भी लग गए, दिखाना जीशान हर चीज़ सब लग गया। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहला मैंने मैसेज आप सबके लिए, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ वो जल्दी से आके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सुबह का दिन जो है वो शुरू हो चुका है और माशाल्लाह से सुबह उठकर बहुत अच्छा लग रहा था और रात में तो बिल्कुल भी नींद नहीं आई, तो जल्दी जल्दी जो है फटाफट मैं इशाल के लिए नाश्ता रेडी कर लूँगी। नाश्ते में जो है मैंने इशाल को जो है अंडा बॉयल करके दे दिया था और साथ में इसका लंच बॉक्स रेडी कर लूँगी, जो थोड़ा सा जो फ्रूट था वो मैंने इसको कट करके दे दिया था इसके लंच बॉक्स में, सैंडविच बनाकर दे दिया था, सैंडविच में जो है शामी कबाब और दो ब्रेड रख दी थी, तो बिल्कुल हल्का फुल्का सा जो था वो मैंने इजीली तरीके से इसको सैंडविच बनाकर दे दिया था और साथ में कुछ फ्रूट्स रख दिए थे। और फिर जो है इन सब पहले मैंने सब चीज़ें रेडी कर ली थी, उसके बाद जो है मैंने इशाल को उठा लिया था और माशाल्लाह से बहुत रात में जो ना मुझे बिल्कुल बहुत कंफ्यूज हो रही थी कि मैं कैसे कर पाऊँगी, लेकिन जब मैं सुबह उठी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जो है सब काम जो है जल्दी जल्दी से अच्छे अच्छे से करवा दिए थे। और जब मैं हौसला मुझे जब मिला, मैंने जब इशाल को देखा, माशाल्लाह से इशाल को देख के मुझे हौसला मिला, इशाल बहुत हौसले में थी और जो है ना इशाल को देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी इशाल। और बस मुझे यही होता, पता नहीं वो स्कूल में किस तरह कवर कर पाएगी, लेकिन माशाल्लाह से इशाल ने बहुत अच्छा जो है स्कूल में खुशी खुशी गई, खुशी खुशी आई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब मैं इसको स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी, मैं इससे बहुत सारी बातें कर रही थी, मैं इसका बिल्कुल माइंड देख रही थी कि ये बिल्कुल सेट है, फ्रेश है कुछ जो है ना, मैंने इसको रात को जल्दी सुला दिया था जिसकी वजह से ये बिल्कुल सुबह जो है ना बिल्कुल खुशी खुशी उठी थी। और ये पापा के साथ लगी हुई है, अपनी चीज़ें वीज़ें जो है अपने अच्छे से रख रही थी और जो है ना बिल्कुल भी ओवर रिएक्ट नहीं कर रही थी, मतलब इसको स्कूल जाना है और माशाल्लाह से बहुत खुशी खुशी गई थी। और यहाँ मैं और इसके पापा इसको जा रहे हैं स्कूल छोड़ने के लिए, और जब मैं स्कूल गई तो बस मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं इसको वहाँ से अकेले छोड़ कर आऊँ, बस मेरा दिल कहता था मैं इसको साथ ले जाऊँ थोड़ी देर बिठा कर पढ़ा कर, लेकिन नहीं, फिर टीचर्स वगैरह ने भी मुझे थोड़ा समझाया कि नहीं आप थोड़ा हौसले में रहें, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ दो, अच्छा हाँ ये बात भी है, ये 2-3 घंटे जो है ना मुझे इसलिए मुश्किल लग रही थी क्योंकि मैंने कभी इशाल को अकेले इस तरह छोड़ा ही नहीं कहीं पे भी, और इशाल भी मेरे बगैर नहीं रहती है, तो खैर एक ना एक दिन तो ऐसा होना था, जाना था स्कूल। बस बस मेरे लिए बहुत सारी मेरी बहुत सारी दुआएं अपनी बच्ची के लिए और बाकी सब बच्चों के लिए। और स्कूल यहाँ पर हम पहुँच गए हैं और इशाल जो है सबको मतलब देख रही थी, सबको मतलब हर चीज़ को देख रही थी, सब बच्चों को देख रही थी और माशाल्लाह से जो ना मुझे उसको अच्छा लग रहा था देखकर। खैर हम वापस स्कूल छोड़कर आ गए थे इशाल को घर पर, तो जो शोहर है ना वो ले आए थे चाय, होटल की नाश्ता कर रहे थे हम यहाँ बैठे हुए। और जो है ना वापसी जो है इस 2-3 घंटे जो है गुजर गए थे बस यही सोचते हुए कि अब टाइम गुजरेगा, कब टाइम गुजरेगा। खैर वो टाइम भी गुजर गया और मैं इशाल को लेने चली गई स्कूल, स्कूल से आ चुके हैं अब हम वापसी घर पर। और जो है ना रोड जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं बारिशों की वजह से, हर जगह कीचड़ और खड्डे वगैरह हुए हैं। और इशाल ने यूनिफॉर्म और शूज़ तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब कर लिए थे, खैर बच्ची का भी कोई कसूर नहीं है, रोड ही ऐसे हुए हैं। अच्छा जी, उम्मीद है मेरे को आज का जो व्लॉग है, वीडियो है, आज की जो है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को कर देगा लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को कर देगा सब्सक्राइब और कमेंट में बता सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। ओके जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।